आज अलीराजपुर जनपद पंचायत प्रांगण में मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये तस्वीरें अलीराजपुर जनपद पंचायत परिसर की हैं, जहां पर बड़ी तादाद में हितग्राही बैठे हैं। ये महिला हितग्राही भी हैं और पुरुष हितग्राही भी हैं। ये मध्य प्रदेश शासन की तमाम योजनाओं के लाभार्थी हैं। इन सभी हितग्राहियों को चाहे पीएम आवास से लेकर दूसरी अन्य योजनाएं हैं, उसका लाभ मिला है। इस सम्मेलन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि शासन की जनहितकारी योजनाएं इलाके में सक्रियता से संचालित की जा रही हैं। इस सम्मेलन में दिव्यांगों को साइकिल का भी वितरण किया गया। इस सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक एवं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान, सीओ जिला पंचायत संस्कृति जैन, जिला पंचायत सदस्य इंदर सिंह चौहान, जनपद पंचायत अलीराजपुर की सदस्य सुनीता इंदर सिंह चौहान आदि मौजूद थे। इस अवसर पर इंदर सिंह चौहान जिला पंचायत सदस्य ने क्या कहा, सुनिए। आज अलीराजपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास पीएम आवास योजना सम्मेलन का कार्यक्रम था। उसमें अलीराजपुर जनपद के 53 पंचायत और 86 ग्राम पंचायत के सभी आवास परिवारों को हमने सम्मेलन बुलाया है और यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान भाई और माता बहन सब लोग आए और सम्मेलन में हमने उनको स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण किया और हम इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी यहाँ थे और हमारे अलीराजपुर जिला पंचायत सीएमएम भी यहाँ पर थे। सभी किसान लोग चाहते थे और सभी हजारों हजारों किसानों का हमने प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण किया। साथ ही अन्य विभाग के भी पेंशन तो वो भी हमने आज ये वितरण किया। ठीक, धन्यवाद। हालांकि विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन ऐसे सम्मेलनों के जरिए बीजेपी हितग्राहियों से सीधा जुड़ने की कोशिश कर रही है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। अलीराजपुर लाइव के लिए शिवा रावत।